शुक्रन 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 बस देख लें जी सऊदी यहाँ पे मिले और इतने खुश इखलाक। चलें जी जॉर्डन वाली साइड पे, तो आज हम बहुत जल्दी फारिग हो गए हैं यहाँ पे। एक्चुअली आधा को घंटा लगा है। डिपार्चर टैक्स भी यहाँ पे कोई नहीं लिया क्योंकि मैं सेम डे क्रॉस कर रहा हूँ, अदरवाइज 15 को डॉलर बनता है वो भी। सलाम अलैकुम। और ये आ गया जी नो मैन लैंड, और आहिस्ता आहिस्ता अब हम जो है वो सऊदी बॉर्डर की तरफ जो है वो अपना रास्ता बनाएंगे। मैंने यहाँ पे चेक किया है कि तकरीबन कोई 5 किलोमीटर के फासले पर यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है, तो हमारी बचत हो जाएगी। और सामने जो वो सऊदी बॉर्डर नज़र आ रहा है, नॉर्मली यहाँ पे मुझे अभी तक एक बार क्रॉस किया, दो बार किया, मतलब जाते हुए और आते हुए, और यहाँ पे सबसे फास्टेस्ट ये बॉर्डर थे सऊदीया के। बहुत जल्दी जो है वो आपको छोड़ देते हैं, कोई इशू नहीं करते, वीज़ा चेक करते हैं, कार ने देखा और जल्दी से आपका डॉक्यूमेंट बना के दे दिया। तो उम्मीद है कि आज भी कोई इशू नहीं करेंगे, बाकी जो ऊपर वाले के हाथ में हैं डॉक्यूमेंट्स तो सारे हैं। लेट्स सी। अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट जो वो सनसेट हो गया, पीछे आप जो इजिप्ट सेनाई के पहाड़ जो देख रहे हैं, वो क्या नाम है उसका, तूर पहाड़ जो है वो भी यहाँ पे ही है, इसी रीजन में कहीं पे। यहाँ पे कोई भी नहीं है, सीधा जो है वो गाड़ियों वाले सेक्शन पे जाते हैं। तो कहाँ से ये होगा हमारा, डॉक्यूमेंट्स मैं सारे अपने साथ ले जाता हूँ यहाँ से निकाल के ना। अगर सारी बॉर्डर क्रॉसिंग हमारी इसी तरह की होंगी ना, तो क्या ही बात है। बंदा जो है वो मिनटों में हर जगह से ये फारिग करते हैं यार, क्या एफिशिएंट सिस्टम बनाया हुआ इन्होंने। अभी हमने किधर जाना है, हाँ वो जाना है, मैं गलत साइड पे जा रहा था, सामने जाना है व्हीकल क्लियरेंस एंट्रेंस। सलाम अलैकुम। पता नहीं वापस देखा कि नहीं देखा। अहलन वसहलन सऊदी अरेबिया। मुझे यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा प्यार इस वजह से भी हो रहा है कि इनकी बॉर्डर क्रॉसिंग और लोगों का रवैया, बात करने का तरीका, जो रिस्पेक्ट आपको इज्जत देते हैं ना टूरिस्ट को, वो हार्डली मैंने इस टूर में किसी और जगह पे। हाँ इससे पहले कुवैत ने भी बहुत अच्छा सलूक किया था मुझे याद है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुवैत वाले अच्छे नहीं, लेकिन खैर अभी हमने सऊदीया की ही बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने शायद को आधे घंटे के अंदर ना मैं गया उनके पास अपना पासपोर्ट लेके, मैंने साइड पे बाइक खड़ी कर दी, उसको कहा कि ये मेरा पासपोर्ट है तो वीज़ा, तो बहुत अच्छा था। कहता है कि अच्छा वीज़ा तुम्हारा, मैंने कहा ऑनलाइन लिया हुआ मैंने साल पहले जो लिया था, तो उसी के ऊपर उसने जो है वो चेक किया ऑनलाइन। मेरे पास हार्ड कॉपी नहीं थी, तो इंटरनेट नहीं चल रहा था, सॉफ्ट कॉपी नहीं निकाल सका था, तो उसने उसी टाइम जो है ना वो चेक करके कहता है ठीक है, ठप्पा लगाया। फिर आगे गाड़ियों वाला था, उसने भी आराम से 10-15 मिनट में करके गाड़ी अंदर। ना कोई इंट्रेंस टैक्स है और ना कोई डिपार्चर टैक्स है इस साइड पे। अभी बस ये बॉर्डर की हदूद हम क्रॉस करते हैं ना, यहाँ पे खड़े नहीं होते। मुझे प्यास बड़ी लगी है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आगे निकल जाऊँ। सामने एक पेट्रोल पंप यहाँ पे आएगा, वहाँ पे खड़े होते हैं, छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ये जो है साथ साथ हमारे जो रेड सी है जी। आज तो यहाँ पे इतनी हवा नहीं चल रही, अच्छी बात है कि मैं आराम से अपनी राइड कर लूँगा। लास्ट टाइम जब मैं आया था बहुत तेज़ हवा थी इधर, और अब हमारे पास कुछ शेकल्स भी हैं और कुछ जॉर्डेनियर करेंसी भी है, तो उसको साथ ही ले जाते हैं, कहीं मौका मिला तो उसको कन्वर्ट करवा लेंगे। लेकिन रियाल हमारे पास कम है जिनकी हमें ज़रूरत है। देखते हैं कि यहाँ पे कार्ड एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते।
इन्होंने कहा स्पेशल के वीडियो में आना है, ठीक है। तो इनकी वीडियो जो है ना हमने बना ली है, कहते बाद में हम शुभ शुभ करेंगे क्या देखेंगे। तो यहाँ से जी हमने पेट्रोल तो फुल करा लिया, मेरे पास 25 को रियाल निकले थे तो उनसे इतना हो गया कि फुल हो गया। तो प्राइसेस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब पीछे ऑलमोस्ट $2.50 का पड़ रहा था एक लीटर, और यहाँ पे कितने का, $1 से भी कम है, आई थिंक 2.4 रियाल का बनता है। तो ये तकरीबन कुछ 70 कुछ सेंट का ना एक लीटर मिल जाता है। तो मैंने कहा कि चलो अब सिटी जाते हैं कि वहाँ से पैसे निकलवा लेंगे एटीएम से, क्योंकि यहाँ पे कार्ड से जो है वो पेमेंट नहीं हो रही थी। चलो एटलीस्ट जो है वो बाइक फुल हो गई है, अब हम आराम से जो है ना अगले काम करवा लेंगे। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड भी मेरा चलता है, तो सिटी के अंदर किसी भी एटीएम पे रोक के वहाँ से पैसे निकलवा सकता है बंदा। वैसे तो यहाँ हकल पे भी रात गुजारी जा सकती है, पर फ़ायदा कोई नहीं है, सीधा बंदा जाए तबू की, क्योंकि दिन के टाइम दोबारा इतनी गर्मी होगी कि मेरा तो कबाब बन जाएंगे। ये सामने लाइटें जो है ना अब हकल की नज़र आना शुरू हो गई हैं। तो हार्डली कोई 5-7 किलोमीटर राइड करता है बंदा तो सिटी में पहुंच जाता है, बस इतना डिफरेंस है। ये सिटी भी खूबसूरत है, और आई थिंक यहाँ पे टूरिज़्म ना होने के ऑलमोस्ट बराबर है हकल में। ओवरऑल सिटी की एंट्रेंस जो है वो बड़ी खूबसूरत बनाई है वॉकिंग के लिए, ये जो साथ साथ पाथ बना हुआ है, लाइटिंग वगैरह अच्छी की है। इस माउंटेन पे भी कुछ लिखा हुआ है, अब ये नहीं पता क्या लिखा है। तो काफ़ी मेहनत कर रही है सऊदी गवर्नमेंट टूरिज़्म को इम्प्रूव करने के लिए इस एरिए में। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये फर्स्ट टाइम है कि मैंने कोई बॉर्डर क्रॉसिंग जो है सनसेट के टाइम पे की हो। तो चलो फर्स्ट टाइम जो है ना वो हमारी शुरुआत तो होगी, मे भी आगे फ्यूचर में भी हमें कभी ना कभी करनी पड़े तो अच्छी बात है कि ये बॉर्डर जो है वो खुला रहता है, तो जब बंदे का दिल करे जो है वो उसको क्रॉस कर सकता है। लिखा हुआ तो 24 आवर्स है, लेकिन नो आइडिया। अब देखते जाएंगे आसपास में कहीं पर भी नज़र आए ना ATM, ये आ गई है ना, ये है बैंक, इधर ही खड़ी कर देता हूँ। अब बंद कर देते हैं, मैं आपको अपना जो है वो नंबर नहीं दिखाऊंगा, ना कार्ड का ना पिन नंबर। ये है आके जी हमारे पास सऊदी रियाल, 500 रियाल निकलवाएं, मैंने कहा इतना से गुजारा हमारा जो है वो आराम से हो जाएगा। 500 बन जाते हैं, कोई $130-140 तो बन जाएंगे। ये जा रहा है जी तबूक की तरफ रास्ता, यहाँ से 227 किलोमीटर नेविगेशन दिखा रही है, तो हो सकता है कि हम 11-11:30 बजे तक मैक्सिमम पहुँच जाएँ, और 11:30 तक पहुँच ही जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन कि मैं कितनी लंबी लंबी ब्रेक्स दरमियान में लेता हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे हम तबूक की चेक पोस्ट पे पहुंच चुके हैं। ये हो सकता है कि 10-15 किलोमीटर सिटी से दूर हो, लेकिन एटलीस्ट जो है वो हमें उम्मीद लग गई है कि अब हम सिटी के आसपास पहुंच गए हैं, और सिटी की दूर जो है वो लाइटें नज़र आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। मोस्टली जितनी भी यहाँ की बड़ी सिटीज़ हैं जहाँ पे चेक पोस्ट हैं वो 15-20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर बनी हुई हैं। अभी हम लोग ऑलमोस्ट शहर के जो है वो सेंटर में तो नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि मेन रौनक वाला एरिया लग रहा है, क्योंकि काफ़ी शॉप्स जो हैं वो अभी भी खुली हुई हैं। हैरत की बात है रात के 11 बजे भी खुली हैं। अब यही चीज़ आप नोटिस करें ना कि बॉर्डर क्रॉस करते सब कुछ चेंज हो जाता है, पीछे जो है वो इवन जॉर्डन में भी और
सीरिया, लेबनान, फलस्तीन, हर जगह पे जो है वो रात को 6-7 बजे बंद हो जाती थी। यहाँ पे जो है वो सारे बिजनेसेस अभी तक ओपन है, तो बहुत डिफरेंस आता है। जैसे आप बॉर्डर चेंज करते हो इस रीजन में, चलो ज़बान तो सब लोगों की मोस्टली जो है वो सेम है सिवाय जो है इसराइल के, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो बहुत डिफरेंस है। वहाँ पे इस टाइम आपको हार्डली इवन के रेस्टोरेंट भी बहुत ज़्यादा बंद हो जाते हैं 11 बजे मोस्टली। तो अब आया मेन सेंटर वाला एरिया ना, शॉपिंग वाली जो बड़े बड़े चेन्स हैं ना वो अब नज़र आ रही हैं, इधर उधर सारी खुली हैं। बस ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच गए हैं। मेरे पास इंटरनेट नहीं है, सिर्फ इतना पता है कि एक पॉइंट लगाया हुआ है मैंने मैप के ऊपर, उसी को बस जो है फॉलो करवा रहा हूँ। डायरेक्शंस यहाँ पे अंदर की तरफ मुड़ना है। सो ये आ गया जी सामने लाहौर होटल, जहाँ पे हमने पहुँचना था।